हे गाइज, अगर आपका भी स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा हैंग कर रहा है या फिर लैग कर रहा है और आप इससे ऊब चुके हैं और आप अब इस मोबाइल को नहीं चलाना चाहते क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हैंग कर रहा है, आप कोई भी काम नहीं कर पा रहे हैं, तो डोंट वरी, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप इस प्रॉब्लम से कैसे छुटकारा पा सकते हैं, आप ऐसा क्या करेंगे कि आपका मोबाइल हैंग नहीं करे या फिर कम से कम लैग करे। तो आज की इस वीडियो में आपको वो सारी जानकारी दूंगा, आपको 8 ऐसे स्टेप बताऊंगा, 8 ऐसे टिप्स दूंगा जिसे करने के बाद आपका मोबाइल 99% हैंग करना बंद हो जाएगा, लैग करना बंद हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस छोटा सा क्वेश्चन, चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को कर दे अभी से लाइक, क्योंकि इस तरह के वीडियो आपको इसी चैनल पर देखने को मिलते हैं। दोस्तों, आपको बिना टाइम बर्बाद करते हुए अब आपको सीधे बताता हूँ वो 8 टिप्स जिसे करने के बाद आपका मोबाइल हैंग नहीं करेगा या फिर बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। दोस्तों, नंबर 4 और नंबर 8 की सेटिंग ऐसी है जिसे अगर आप करते हैं तो आपका मोबाइल काफ़ी हद तक हैंग नहीं करेगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो टिप्स है जो आपको करना है अपने मोबाइल में वो ये है। सबसे पहले आप उस ऐप्स को अपने मोबाइल से अनइंस्टॉल कर दें जिस ऐप्स को आप यूज नहीं करते हैं या फिर लंबे समय से यूज नहीं कर रहे हैं। ऐसे ऐप आपके मोबाइल का स्टोरेज अपने पास जमा रखते हैं और आपका मोबाइल का जो है स्पेस ख़त्म होता जाता है। तो आप उस ऐप्स को अनइंस्टॉल कर दें जिस ऐप्स का इस्तेमाल आप नहीं कर रहे हैं या फिर लंबे समय से नहीं किए हुए हैं। उसका दोस्तों दूसरा सेटिंग है, आप अपने मोबाइल में, आपके मोबाइल में जो भी फोटो या वीडियोज होता है उस स्टोरेज को बाहरी स्टोरेज में शामिल करें। दोस्तों, बाहरी स्टोरेज हो सकता है माइक्रो एसडी कार्ड या फिर क्लाउड्स वगैरह जगह में जो भी है स्पेस, आप अपने फोटो वीडियो को वहां पर स्टोरेज करें। उन फोटो वीडियो को आप बाद में यूज करते हैं, देखना चाहते हैं, तो ऐसे फोटो वीडियो को आप बाहरी स्टोरेज में शिफ्ट कर दें, वहाँ पर बैकअप बनाकर रख लें। उसका दोस्तों यहाँ पर तीसरी सेटिंग है, आपको अपने मोबाइल से चैच फाइल डिलीट करना है। समय समय पर आप इसे क्लियर करते रहें जिससे अनावश्यक ऐप, मतलब जो बिना मतलब की जगह जो फुल हुए हैं, ये सारे के सारे डिलीट हो जाएं। ये होते हैं जैसे आप यूट्यूब देख रहे हैं, गूगल पर कुछ सर्च कर रहे हैं, क्रोम ब्राउज़र पर, तो ये एक बैकअप बनाकर रख लेता है ताकि आप जब भी बाद में उस टाइप के कुछ सर्च करें तो आपको उसी तरह का रिजल्ट वहाँ पर दिखाया जाए। तो आपको इस तरह के जो चैच फाइल होते हैं उसे डिलीट कर देना है, इससे भी आपका मोबाइल काफ़ी हद तक फास्ट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर चौथा सेटिंग है जिसे करने के बाद आपका मोबाइल काफ़ी हद तक फास्ट हो जाएगा और इसकी स्पीड भी बढ़ जाएगी। इसमें करना दोस्तों ये है कि आपको अपने मोबाइल का डाटा जो होता है, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, फोटोज वीडियो ऐप जो भी है डाटा, उसे कंप्रेस करें। कंप्रेस करने से होता है दोस्तों इसकी साइज घट जाती है और ये कम से कम जगह लेता है, तो आप इस सेटिंग को जरूर कर लें, अपने डाटा को कंप्रेस जरूर कर लें। उसका दोस्तों यहाँ पर पाँचवीं सेटिंग है कि आपको अपने मोबाइल में हंगरी ऐप को पहचानना। हंगरी ऐप वो ऐप कहलाते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा जगह लेते हैं आपके मोबाइल में। आप एक बार इंस्टॉल कर लेते हैं, वो इंस्टॉल करने में बहुत कम एमबी के होते हैं, लेकिन जब आप इंस्टॉल कर लेते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा जगह खाने लगते हैं। तो आप ऐसे हंगरी ऐप को पहचान लें और उसे अनइंस्टॉल कर दें, इससे भी आपका मोबाइल का स्पेस बहुत ज़्यादा खाली हो जाएगा और आपको ये परेशानी नहीं होगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर छठी सेटिंग है, आपको अपने मोबाइल को समय समय पर रीबूट करना होता है। रीबूट मतलब रीस्टार्ट करना पड़ता है, जिससे वो ऐसे फाइल्स जो हम और आप डिलीट नहीं कर सकते हैं, वो जब आप रीबूट करते हैं अपने मोबाइल को रीस्टार्ट करते हैं तो वो मोबाइल के द्वारा, एप्लीकेशन के द्वारा ऑटोमेटिक मोबाइल के स्टोरेज से हटा दिए जाते हैं। तो आप अपने मोबाइल को समय समय पर रीबूट करते रहें, अगर हो सके तो दिन में एक बार कम से कम 2 मिनट के लिए अपने मोबाइल को स्विच ऑफ जरूर कर दें। तो दोस्तों सातवां टिप्स ये है कि आप अपने मोबाइल को एक्सटेंड करें, मतलब कि आप अपने मोबाइल का जो स्टोरेज है उसे बढ़ाने की कोशिश करें, और बढ़ाने के लिए आप माइक्रो एसडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आज के समय में लगभग हर मोबाइल में ये स्टोरेज एक्सटेंड करने का, मतलब स्टोरेज बढ़ाने का ऑप्शंस मिलता है, फीचर्स मिलता है। अगर आपको ये नहीं पता तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं आपके लिए इस पर एक वीडियो लेकर आऊँगा कि आप अपने मोबाइल का स्टोरेज कैसे बढ़ा सकते हैं।
तो आप अपनी मोबाइल का स्टोरेज बढ़ाएं, इससे भी काफ़ी हद तक आपका मोबाइल हैंग करना बंद हो जाएगा। सो दोस्तों यहाँ पर सबसे ये लास्ट और फाइनल जो है, जिसे करने के बाद आपका लगभग लगभग सारा समस्या खत्म हो जाएगा। इस सेटिंग को अगर कर लेते हैं तो आपका मोबाइल फिर लगभग 99% हैंग नहीं करेगा और आपको हैंग करने की या फिर लैग करने की समस्या मोबाइल में नहीं देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये सेटिंग ये है। आप अपने मोबाइल की स्टोरेज जो है, आपके मोबाइल में जो भी स्टोरेज है, चाहे वो फोटो हो, वीडियोज हो, ऐप हो या जो भी कुछ हो, आप उसे बाहरी क्लाउड्स में स्टोरेज करने की कोशिश करें, उसका बैकअप बनाएं ताकि वो डाटा सुरक्षित रहे और आपके मोबाइल का जगह खाली रहे, जिससे एक बाद आपका मोबाइल हैंग नहीं करेगा, लैग नहीं करेगा और आपको ऐसी कोई भी समस्या इन फ्यूचर देखने को नहीं मिलेगी। तो दोस्तों बस ये है 8 टिप्स। अगर आप इसे कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपका मोबाइल 99% हैंग नहीं करेगा, लैग नहीं करेगा और आपको ऐसी कोई भी परेशानी नहीं आएगी। क्योंकि जब आपकी मोबाइल का स्टोरेज फुल होता है तो आपका मोबाइल हैंग करता है, लैग करता है, जिसमें आपका कभी डायल पैड काम नहीं करता, कभी टच काम नहीं करता, कभी कुछ भी काम नहीं करता, कभी कभी बार बार मोबाइल रिस्टार्ट होने लगता है, अपने आप बंद होने लगता है। तो आप अपने मोबाइल को निश्चित तौर पर स्पेस बना कर रखें, उसे हैंग होने से बचाएं। अगर आप इस सेटिंग को कर लेते हैं तो आपका मोबाइल निश्चित तौर पर हैंग या फिर लैग नहीं करेगा। वीडियो पसंद है तो लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। दीजिए इजाज़त। जय हिंद।